गुड मॉर्निंग अमृता। गुड मॉर्निंग मैडम। मैम आप अपनी एजुकेशन बताइए। मैं अपना बिलीज 67% मौलाना मुजहरुल है, यहाँ के अरबिक एंड पर्शियन यूनिवर्सिटी पटना से की है। व्हाट आर योर हॉबीज? मेरी हॉबीज कुकिंग, रीडिंग, स्टिचिंग और न्यू फ्रेंड्स बनाना है। ओके मैम, टेल मी समथिंग अबाउट पटना। पटना एक पाटली के नाम पर बसा है, जो पाटली नाम का पेड़ था वो और किसी देश में नहीं था। में एक सबसे बड़ी पुल है जो दुनिया के तीसरे नंबर पर आती है, उसका नाम है गांधी सेतु पुल। मैम प्लीज गिव अ डेमो। यस मैम। यस मैम। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? फाइन, आई एम ऑल्सो फाइन। टुडे डेट इज 13 अप्रैल 2023। स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। आप लोगों को पता है लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन कितने टाइप का होता है? नहीं पता है? 3 टाइप का होता है लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन 30 टाइप का होता है। फर्स्ट टाइप में DDC और सेकेंड में FDC और थर्ड में CC। CC का फुल फॉर्म होता है कॉलम क्लासिफिकेशन। कॉलम क्लासिफिकेशन, कॉलम क्लासिफिकेशन। डॉक्टर SR रंगनाथन जी ने कॉलम क्लासिफिकेशन को 1928 में निर्माण किया था। 1928 में निर्माण किया था और 1933 में इसे प्रकाशित किया था। अभी तक कॉलम क्लासिफिकेशन का 7 एडिशन आ चुका है। पहला एडिशन, सेकेंड एडिशन 1939 में, थर्ड एडिशन 1950 में आया और फोर्थ एडिशन 1952 में, फिफ्थ एडिशन 1957 में आया और सिक्स एडिशन 1960 में और सेवन एडिशन 1987 में, जो लास्ट एडिशन है 60 एडिशन में एक रिवाइज है। रिवाइज और सिक्स एडिशन में एक रिवाइज था जो 1963 में आया। डॉक्टर SR रंगनाथन जी ने कॉलम क्लासिफिकेशन में 5 फोर्थ एडिशन में, फिर 1952 में 5 श्रेणियों को जोड़ने के लिए कॉलम का प्रयोग किए थे, जो द्विबिंदु भी कहते हैं उसे। 5 श्रेणी है MPMEST और फोर्थ एडिशन ने 1952 में इसे अलग अलग चिन्हों में प्रकाशित किया। और पहला चिन्ह है पर्सनालिटी कोमा और मैटर में सेमी कॉलन, एनर्जी में कॉलन और स्पेस में डॉट और टी टाइम में इन्वर्टेड कोमा। ओके मैम, आप अपनी सीट वापस लीजिए। यस मैम। मैडम आप हमें ये बताइए कि लाइब्रेरियन की क्या क्वालिटीज होनी चाहिए एक लाइब्रेरियन? गुड कम्युनिकेशन स्किल मस्ट हैव,
पेशेंस, कंप्यूटर की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर की नॉलेज होनी चाहिए, ही मस्ट बी ए गुड फाइंडर, ही मस्ट बी ए बुक रीडर।